हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम जे गेमर में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। तो फाइनली आज हम करने लगे हैं T20 डेब्यू इंग्लैंड काउंटी में। तो मैच है हमारा डर्बीशायर के साथ, तो ये मैच खेला जा रहा है सोफियन गार्डन में। तो दोनों टीमों के 11 प्लेइंग 11 आपके सामने। तो हम खेल रहे हैं ओपनिंग में, तो ऑलराउंडर है। तो मैं अपने प्लेयर की थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज की है, लुक थोड़ा चेंज की है। तो ये देखें पिच रिपोर्ट। तो पिच का फर्स्ट इनिंग के बाद ही पता चलेगा कि बैटिंग को सपोर्ट करती है या बॉलिंग को। तो चलें अब हम जाते हैं टॉस की तरफ, देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है। तो हमारे कप्तान ने सिक्का उछाला डर्बीशायर कॉलटेल, तो देखते हैं कि टॉस कौन जीता है। तो कप्तान को चाहिए कि टॉस जीत के पहले हम करें बॉलिंग, तो डर्बीशायर ने टॉस जीत लिया। तो देखते हैं कि अब वो करते हैं बॉलिंग या बैटिंग। पिच को देखते हुए उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो ग्राउंड बड़ा मस्त है यार, तो बड़ा मज़ा आने लगा हुआ है। T20 डेब्यू है हमारा। तो प्लेइंग 11 ये आ गया उनका तीन बोर्ड पे एबॉट। तो चले हमारे फील्डर ग्राउंड में आ गए हैं। तो ये लड़का कहाँ है यार, लड़का ने हमारा नज़र ही नहीं आया। तो फाइनली ओपनर उनके आ गए बैटिंग पे, मुनो ओपनिंग करेंगे। तो ये हमारे प्लेयर साहब, तो ये ओपनर उनके। तो चले स्टार्ट करेंगे। तो यार हमको तो बॉलिंग ही नहीं दिए भाई, बिल्कुल समझा ही नहीं है बॉलर को। हमको तो बेकार बॉलर समझा, बिल्कुल हमने बॉलिंग ही नहीं दी, एक बॉलिंग भी नहीं दी हमको। चलो फाइनली बैटिंग में तो भेज दिया, शुक्र है। तो देखते हैं कि टॉस, तो क्या बोलते हैं टॉस बोल रहा हूँ, टारगेट कितने का है। तो टारगेट हमारा है जी भाईजान 141 पे। तो पहली विकेट हमारी गिर गई है एक रन पे, तो एबर्ट ने आउट कर दिया है। तो फर्स्ट बॉल अच्छा इसको खेला एक्स्ट्रा कवर पे, तो पहली ही बॉल पे बाउंड्री आ गई है हमारी। तो फाइनली अच्छा स्टार्ट मिला है डेब्यू का T20। तो मैं खेल रहा हूँ लबुस चबने के साथ, कप्तान के साथ कर रहा हूँ। तो इसको खेल दिया स्ट्रेट पे, फील्डर के हाथ में जाएगा सीधा, अच्छा थ्रो, मगर हम क्रीज के अंदर ही। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि एंड तक मैच को लेके जाऊँ, विनिंग परफॉर्मेंस दूँ। तो ये हाइट पे था, पुल करना चाह रहा था मगर वाइड, नाउ एबर्ट। तो इसको मैंने खेल दिया लेग साइड पे, यकीनन बाउंड्री आएगी यार, लेग साइड की तो बाउंड्री बड़ी है। एबर्ट सेकंड लास्ट बॉल अगेन लेग साइड पे खेला है, तो ये तो बाउंड्री आ जाएगी यकीनन। यह तो बॉल अब तक बल्ले पे आ रहा नहीं है, थोड़ी विकेट हार्ड है। तो इसको खेल दिया ऑफ साइड पे, मगर गैप नहीं मिला सही तरह से, फील्डर के हाथ में गया, फील्डर ने फेंका। आई थिंक मेरे प्लेयर से तो ऐसा नहीं खेला जा रहा कि गंजे की ना सूरज की रोशनी से भी तेज़ लग रहा है। तो इस बार खेल दिया है ऑफ साइड पे, फील्डर के सर के ऊपर से यकीनन चौका आएगा, 2-4। प्लेयर हमारा थोड़ा टाइम ले रहा है, खैर कवर कर लेंगे हम। तो ये खेल दिया है मिड ऑन पे सिंगल के लिए, आसानी से सिंगल आएगा। कप्तान साहब को मौका दिया है ताकि वो ड्राइव से आ करें। 86 रन चाहिए 75 बॉल पे, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस फाइनली गैप मिल गया लड़के को, तो छुटका दिया चौका। तो फील्डर सब पीछे ले लिए इन्होंने, तो हम करेंगे सिंगल डबल ही। तो फाइनली ये शॉट आया था बल्ले पे, तो हमने ले लिया आराम से सिंगल। यस आराम से खेलें, डबल के लिए जाएंगे इस बार। फील्डर पीछे बॉल के, बॉल आगे, शॉट गैप मिल गया ना, ओए रोक लेगा, रोक सकता था, शॉट गैप मिला है। यस यस नहीं रोक सकेंगे, ये शॉट है एमटी जर्मनी की, नहीं रोक सकेंगे भाई। नो बॉल, थ्री हिट दे दे यार, दे दे थ्री हिट। यस थ्री हिट नहीं, चौका दे दी। तो इस बार कुकसन नाम भी इतना जीप है ना यार, हाय। तो फाइनली आउट हो गए हैं, तो इस बाहर जाना पड़ेगा, नहीं चैलेंज नहीं लेंगे हम लोग। खैर 34 रन अच्छी इनिंग खेली है, 4-6 चौके मारे हैं 32 गेंद बॉलों पे। तो चले स्किप करेंगे इसको। तो हम लोग जीत गए फाइनली, कप्तान साहब ने 95 रन बनाए, ग्लैमोरन 1/8 विकेट, आसानी से ये मैच जीत लिया है। तो कप्तान साहब मैन ऑफ द मैच भी ले गए। तो चलें नेक्स्ट मैच की तरफ जाएंगे अब, तो देखते हैं कि नेक्स्ट मैच हमारा किसके साथ है।
मतलब डिनाइज ग्लाम ओवर में उन्होंने बनाया 140, हमने बनाया 140, 15 4 ये 4 ओवर में चेस कर दिया, उन्होंने 20 ओवर पूरे खेले, हमने 4 ओवर पहले ही चेस कर दिया। तो चले नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो गया है, तो ये मैच हमारा देखना पड़ेगा किसके साथ है। मैंने भी सिक्स विकेट पर लगा लिया, तो मैच है धर्म के साथ, तो मैच खेला जा रहे हैं धर्म सिटी में ही, तो हम लोग हैं और सेकेंड डोन भी ओपनिंग में हैं, तो ये भाई कप्तान भी हैं बेन स्टोक्स। तो पिच रिपोर्ट देखें तो पिच तो वही बात है कि फर्स्ट बैटिंग के बाद ही पता लगेगा, इतना तजुर्बा कहाँ है मेरा यार, तो हमारे कप्तान साहब को तो कम तजुर्बा ही नहीं है, तो और जीत के बस जो समझ लगती है वो कर लेंगे। तो मेरा दिल करता है हम लोग पहले बॉलिंग ही करें, तो गिला मॉर्गन कॉल टेल्स, तो हमारे कप्तान ने कॉल की है टेल्स की, तो देखते हैं कि टॉस कौन जीतेगा। कप्तान साहब बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, यस कप्तान ने मेरी सुन ली है, मैं थोड़ा आगे चल के बोला था, कप्तान ने मेरी बात सुन ली। तो चलें स्टार्ट करेंगे, अब आ जाएं फील्डर साहब, तो ये उनका प्लेइंग 11 आ गया, पोर्ट बेन स्टोक चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पर थोड़ी, तो हमारे फील्डर आ गए हैं, तो ये कप्तान साहब आ गए, हमें दिखा रही हैं, हमने बताएं भाई कप्तान साहब इस मैच में आप प्लीज 11 ओवर हमको दे देना, इतने भी मुझे बोलर नहीं है। तो चलें स्टार्ट करेंगे, तो ये 7 ओवर 454 एनरिको आमिर लोयन, तो कप्तान ने आई थिंक बॉलिंग पकड़ा दी है, हमने तो लड़के के लुक देखे, मैंने लुक चेंज किया इसका थोड़ा सा, तो अगर लुक पसंद आए तो यार कमेंट करके बता देना ज़रूर। पहला बॉल डालेंगे हम सामने कौन कोक, तो पहली बॉल पे अगर विकेट आ जाए तो ये खेल दिया है ऑफ साइड पे, फील्डर कोई नहीं लिया हुआ है, दायरा खुल गए हैं, तो विकेट कटकाने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट मैच में विकेट बॉलिंग मिलती रहे। तो ये तो मनमानी हो गई यार, लेफ्ट साइड पे पाँव आगे करके मार दिया चौका, शुक्र की फील्डर ले, अगेन वहीं पे खेला है, यहाँ पर मुझे फील्डर लेना पड़ेगा यार, ख्याल से पूरे ओवर ये दोनों ही खेलना चाह रहे हैं, तो फाइनली खेल दिया है, अच्छा हुआ देखो फील्डर लिया होता ना काम आ गया। शॉट 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 यार, वोट ही नहीं हम चाहिए ना, ये बोलना खुद जाएंगे बाकी हम नहीं, ब्रो अच्छा था मगर आउट नॉट आउट। ये लुक देखना लड़के का, अब लुक देखो लड़के का, बोलिंग कैच 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 पकड़ ले, यस यस यस, विकेट ले लिए, प्लानिंग करके कप्तान साहब को मैंने बोला वहाँ फील्डर चाहिए मुझे, वहाँ ये बोल आएगा, तो कप्तान ने फील्डर मुझे दिया, तो आपके भाई ने देखें कप्तान की बात भी मानी, यस चल भाई तू तो छुट्टी कर, जॉनसन को जाना पड़ेगा एक रन से, बहुत जल्दी चले गए हैं टाइम रहने के, तो बेन स्टोक से भूल रहा हूँ, बेन स्टोक ओए स्वीप कर दिया शॉट यार, पहली बॉल पे चौका मार दिया, लड़के को हिम्मत दिखा देनी पड़ेगी, ओए अच्छा बॉल अच्छा बॉल। तो लास्ट खबर है कैच यार, बेन स्टोक था भाई कैच पकड़ लेता ना, कीपर ने कैच छोड़ दिया, बॉल नज़र ही नहीं आया ना, शॉट 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 शॉट, मैंने चौक में दो चौके मार दिए कैच यार, इसको मैं मिस करवा दूँ, अरे लेग ब्रेक करा दी ना, इस बॉल पे आएगी बाउंड्री आपके भाई को, सब बॉल ओहे नहीं 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 नहीं, अभी देखो ना यार अभी क्या करो, कैसी कैसी एजें लग रही हैं, टेन स्टॉक लास्ट बॉल है, ओए बैटिंग आ गई, लड़के शाब इसी तरह खेलना है शॉट, हाँ ये चीज़ ना ए सिक्स मानना है, तो टारगेट 168 इमैनुअल, यार इनके नाम भी इतने अजीब अजीब है ना, मेरी जुबान पे नहीं आता है, गलती हुई तो सॉरी यार, ये बॉल देखो इतना तेज बॉल, मैं कहाँ से खेलूँगा सर के ऊपर से मुझे, तो कैसे चल बचे, तू कार है तो हम लोग स्कूटर बनेंगे रुक जाओ, यस इस तरह ना ये गैप मारना है हमने एक्स्ट्रा कवर पे चौका, नाउ अगेन कार साहब बॉल को जाने दिया, मेरा पार्टनर साहब भी ना बॉलें बीट करके मुझे आगे कर दिए, शॉट लेफ्ट साइड पे कर दिया है पुल,
जाएगा फाइन लेग के फील्डर के पास एक ही रन। अगेन बॉलर रेडी, तो ये आ गया ना बल्ले पे, ये आ गया सिक्स। देखो सिक्स आया। यस, कार को हमने पहुंचा दिया मोटरसाइकिल पर बिठा के बाउंड्री लाइन से बाहर। तो फाइनली अब कप्तान साहब साथ देने के लिए आए हैं। तो ओपनर हमारे चले गए हैं, गलत शॉट पता नहीं मारी है आउट कहते हुए, मैंने भी देखा नहीं। तो दूसरे के लिए चले जाएंगे हम, जल्दी करना पड़ेगी। यस, कीपर आ गया था, ये फायदा हुआ। गेंद बॉलर फॉर, तो ये खेल दिया लेग साइड पे फाइन लेग के फील्डर के पास एक रन। शॉट खेल दिया है बैक फुट पे जाके, सिक्स होगा यकीनन। यस, बाउंड्री के पास कीपर लगा, अच्छा शॉट कैसे को मारा है। तो 15 बोले पे, तो ये फील्डर थर्ड मैन पे, मैंने फील्डर को देखा ही नहीं, वहाँ शॉट मार दिया था। पावर प्ले में आए 6 ओवर में 41 रन, एक विकेट दिए हमने। तो अगेन कोई अच्छी फील्डिंग, चले जाएंगे हम सिंगल के लिए, जल्दी करो भाई। ये आउट तो नहीं है, तो डायरेक्ट लगा है, अपील तो कोई नहीं की। डेनिस स्टॉक हरकत में आ गए, 25 रन। यस 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 यस, लॉन्ग ऑफ पे खेला है एक रन के लिए आसानी से। तो ये मैच लगता है कि लास्ट बॉल तक जाएगा ही। तो शॉट खेल दिया है फाइन लेग के फील्डर के पास, यस आसानी से सिंगल आ जाएगा। 13 रन दिए हैं तब मारवूड ने, तो इस बॉल पे आ जाएगा चौका। ये अच्छा है कि इस बॉल पे चौका आ गया, तो प्रेशर कम होगा, बॉल थोड़ा नीचे आ जाएगा। यस, आसानी से खेलिए सिंगल के लिए, सिंगल डबल में करूँगा, बाकी वो लड़का है वो मार रहा है। शॉट खेल दिया है गैप में हमने भाई, चौका मार लू को, एक और चौका मार दिया है। शॉट एज लग गया, या चौवा के एज लग गया। दूसरे के लिए भी हम चले जाएंगे, जल्दी 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 जाए, जल्दी जहाँ पे रुक गई यार। रिक्वायर्ड आर्ट का है 30 पे 42, तो मैच अपने हाथ में, खैर कोई नहीं। तो इसको हमने खेल दिया आउट के फील्डर के सर के ऊपर से चौका, शॉट लग गया अच्छा मार लू को। यस यार, यस क्या खेला है सिंगल के लिए। तो फाइनली अपनी 50 मुकम्मल हुई, 41 बॉलों पे 50 बना दी है। दिखाओ सेलिब्रेशन दिखाओ लड़के की यार। यस यस, ये चीज़ ना, ये चीज़ पूरा पूरा अपे घूमने देते। ओए कैच छोड़ जा अबे, छोड़ दिया 17 पे 26। यस, ये बॉल मिल गया ना हमें, ये बॉल मिल गया था, गलत बॉल मिल गया था, चौका आ गया इस पर। शॉट ये खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे एक रन, फील्डर के हाथ में था तो आसानी से एक रन बनाएंगे, अल्लाह करे वो मार देगा। प्रेशर में आ गया क्या शॉट, तो एक बार सिंगल ले लिया है लेफ्ट साइड पे मार के। ओ उसने तो मार दिए भाई साहब, चेस ही कर दिए उसने तो। गुलाम मोहम्मद 1/7 विकेट, 39 रन 14 बॉलों पे लड़के ने मारे हैं यार, क्या बात है भाई। बनता है इसका हक है, मैंने अपनी मैच जीती, लड़के का बनता है $1000 ले हो रहा है लड़का मुझे पीछे करके। चल भाई अभी शॉपिंग वॉपिंग कर। तो गुलाम मोहम्मद 1/7 विकेट्स, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 57 रन बनाए और आउट कितने किए, एक आउट किए, 31 रन दे के 4 ओवर में। तो चलें यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आपने वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।